हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन को रिप्लेस करने की क्यों जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपका लैपटॉप कहीं गिर गया है या इसके ऊपर आप भारी सामान रख देते हैं, उसके कारण डिस्प्ले हमारा ब्रेक हो जाता है। उस सिचुएशन में हम डिस्प्ले को रिप्लेस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि जब भी मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ ये व्हाइट डिस्प्ले शो करता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को रिप्लेस करेंगे इस नए डिस्प्ले के साथ। तो चलिए आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप अपने डिस्प्ले को ओपन करके न्यू वन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक ओपनर, उसके बाद हमें एक चाहिए स्क्रू ड्राइवर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बैजल को ओपन कर लेते हैं। और ज़्यादातर बैजल में आपका स्क्रू नहीं होता है, ये सिर्फ आप ओपनर की हेल्प से इसको ओपन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ओपनर लगा करके इसको बाहर की ओर पुल कर देना है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बेजल को ओपन कर दिया है। और बेजल को ओपन करने के बाद जितने भी सारे आपको स्क्रूज दिख रहे हैं, सारे स्क्रू को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए, जितने भी सारे आपको स्क्रूज दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा हिंग्स होता है, ये दोनों कॉर्नर पर हिंग्स है। हिंग्स में आपके दो या तीन स्क्रू होते हैं, इसको हम सारे स्क्रू को बारी बारी से ओपन कर लेंगे। ये मैंने सारे स्क्रूज को ओपन कर लिया है। और अब देखिए, जो हमारा अपर केस है वो अलग हो गया है और ये हमारे पास हिंग्स से जो अटैच हमारा स्टैंड है उसमें हमारा स्क्रीन अभी सेट है। अब हम क्या करेंगे कि साइड से जो दो स्क्रू आपको दिख रहे हैं, दो स्क्रू इस साइड में और दो स्क्रू इस साइड में, इसको हम रिमूव कर लेंगे। अभी हमारा जो डिस्प्ले है ये दोनों साइड से ओपन हो गया है। अब इसका जो कनेक्टर है, हम कनेक्टर को निकाल लेंगे। कनेक्टर को निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपको इस कनेक्टर को पकड़ के बाहर की ओर पुल कर लेना है और ये आपका कनेक्टर निकल जाएगा। और ये हमारा स्क्रीन है जिसमें फॉल्ट है। अब हम इस पुराने स्क्रीन को नए स्क्रीन के साथ रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए जहाँ से हमने जैसे इसे निकाला था उसी तरह यहाँ से स्क्रू लगाएंगे। अब मैंने इस स्क्रीन को इस स्टैंड के साथ अटैच कर दिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट करेंगे। जो हमारा कनेक्टर है और ये जो हमारा डिस्प्ले वायर है उससे इस डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे। ये काफ़ी सिंपल होता है। जहाँ पर भी आपका कनेक्टर है उस कनेक्टर में इस वायर को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद आपको टेप के थ्रू अटैच कर देना है इसको। टेप लगाने से ये होता है कि आपका बाद में ये ओपन ना हो। और अब हमने इस कनेक्टर को अटैच कर दिया है और हम अब अपर केस को इस डिस्प्ले से अटैच कर देंगे। जैसे हमने ओपन किया था, चारों स्क्रू साइड से जितने भी सारे स्क्रू हैं स्क्रू से अटैच कर देंगे। सारे स्क्रू को कनेक्ट करने के बाद अब हम इसमें बैजल लगा देंगे। बैजल लगाना, सेट करना काफ़ी इजी होता है। आप बैजल को अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद हर जगह से जा करके इसको पुश कर दें। सारे कॉर्नर से इसको पुश करने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अब आइए हम सिस्टम को ऑन करके देखते हैं। अभी हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ये मेरा लैपटॉप HP का है। आप किसी भी लैपटॉप में अगर स्क्रीन रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो सारे लैपटॉप का एप्रोक्स जो प्रोसेस होता है सेम होता है। तो आप ये किसी भी लैपटॉप में इसी प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं।